राजस्थान में चुनाव आते ही कांग्रेस में क्यों मचा घमासान? आखिर चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह की बड़ी वजह क्या है? एक देसी कहावत है कि गांव बसा नहीं और डकैती के मंसूबे पहले बंधने लगे। राजस्थान कांग्रेस की भी कुछ ऐसी ही हालत दिख रही है। इन दिनों जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से राजस्थान को लेकर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन पार्टी में टिकट को लेकर अभी से ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर में इन दिनों गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा कि कांग्रेसी संस्कृति में हर बार देखने को मिलता रहा है, गुटबाजी और कलह भी जमकर उभर रही है। हालात ये हो गए हैं कि नेतृत्व के सामने ही कांग्रेस के नेता और समर्थक न सिर्फ उलझ रहे हैं बल्कि मारपीट और एक दूसरे की गाड़ियों में तोड़फोड़ तक की जा रही है। उधर हाल ही में किए गए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक फेसबुक पोस्ट ने भी प्रदेश में कांग्रेस नेताओं में हलचल बढ़ा दी है। अपने पोस्ट में गहलोत ने कहा था कि टिकट तय करने का काम पार्टी आला कमान का होता है और इस बार भी आला कमान ही टिकट तय करेगा। गहलोत ने कहा था कि राजस्थान में चल रहे मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में चलाया जा रहा है। इसमें पायलट समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन गहलोत अब तक एक भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि आगामी चुनाव पायलट के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में टिकट की चाह रखने वाले पायलट से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में गहलोत की टिप्पणी से पायलट समर्थकों में अंदरूनी नाराजगी है। पायलट भी खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो भी उनके बयान से नाराज बताए जा रहे हैं। जाहिर है चुनावी साल में कांग्रेस की ये अंदरूनी घमासान पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।